नमस्कार। आज हम क्वालिटी के बारे में जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम क्वालिटी का काम क्या है, क्वालिटी कितना प्रकार का होता है, और पी पोन जी पोन में फर्क क्या है, और एक क्वालिटी से आउटपुट कितना आता है, और उसके बाद इसका इंटरनल डायग्राम, और इस क्वालिटी में जो लाइट बलता रहता है ग्रीन रेड ऑरेंज, इसका मतलब क्या है, और इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, और लास्ट में इसमें पॉन पोर्ट और अपलिंक पोर्ट होता है, तो इसके सिंपल जानकारी देंगे। तो चलते हैं अगारी वीडियो में, देखिए डिटेल्स देखते हुए। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। ये जोन हेडन बोलते हैं, ये आपका ऑफिस और ये होता है, जोन आईएसपी लगाता है उसको रिल लगाया जाता है, और एओएनटी कस्टमर इंडोर रिल लगाया जाता है। तो हम जनरल क्या देखेंगे, ये ग्रीन लाइट है, ये नीचे और जा रहा है, तो इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, और ये ओएनटी की ओर से जा रहा है तो इसको हम अप स्ट्रीम बोलेंगे, और इसको ट्रांसमिट भी बोला जाता है टीएक्स, और फॉरवर्ड कि नीचे फॉरवर्ड हो रहा है तो फॉरवर्ड, और टीएक्स बोली बोला जाता है, और इसको आरएक्स और तो रिवर्स भी बोला जाता है। ये ओएलटी और ओएनटी के बीच में। तो अब हम चलते हैं अगाड़ी। तो एक ये हमारा ओएलटी है, तो ओएलटी में इसका काम क्या है, तो सिग्नल ट्रांसमिशन करने का काम है। इसका मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज करके पठाता है। ये हमारा वही नहीं हुआ। ये दूसरा काम है इसका, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग बोले तो इधर से डाटा जो इधर जाएगा ब्रॉडकास्ट करेगा, तो इसका एक ही सिंगल वायर से उठा के ये सब डीमल्टीप्लेक्स करके अपना अपना लेगा, और इधर से जितना सिग्नल आएगा उसको एक ही वायर से मल्टीप्लेक्स बोले तो बहुत सा सिग्नल को एक जगह पर पठाता है, उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं, तो इधर लाता है, इसका काम ये हुआ है। और तीसरा काम है ट्रैफिक मैनेजमेंट, जिसके मतलब है कि इधर से सेंट्रल ऑफिस से एंड यूजर तक का डाटा का मैनेज करना है। इसका ओएलटी का काम तीनटा हुआ, सिग्नल ट्रांसमिशन का काम, मल्टीप्लेक्सिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिंपल। और अब टाइप्स ऑफ ओएलटी, ओएलटी कितने प्रकार का होता है, तो जनरल एपोन जिनकी यूज नहीं होता है, बीपोन ये भी यूज नहीं होता है, और तीसरा होता है ई पोन ओ एल टी, इथरनेट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, ये यूज होता है, और इसी का एडवांस रूप है जीई पोन ओ एल टी। ई पोन में 32 इंड्यूजर तक जोड़ सकते हैं कस्टमर तक, तो जीई पोन में आप 64 बिट तक 64 कस्टमर को जोड़ सकते हैं एक पोर्ट से। अच्छा, जी फोन ओ एल टी, ये जी फोन ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए इसका हम डिटेल अगाड़ी देखेंगे। और ये आने वाला सब है एक्स जी फोन ओ एल टी, एन जी फोन टू ओ एल टी डब्ल्यू डी एम फोन ओ एल टी, टॉक्सिस प्रोविजनिंग ऑफ ई फोन ओ एल टी, ये सब आने वाला है और यूज में आया, अभी आ रहा है ई फोन और जी फोन, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो ई फोन और जी फोन एक ही है, और जी फोन इसमें ई फोन हम ई फोन ही बोलेंगे, जी फोन नहीं बोलेंगे। ई फोन 64 कस्टमर पर पोर्ट, एक पोर्ट से 64 कस्टमर को जोड़ सकते हैं, तो जी फोन में 128 कस्टमर को आप जोड़ सकते हैं।
उनका TX RX, TX अभी इससे पहले हम कहे थे TX 1490 वेवलेंथ इसका होता है नैनोमीटर, और RX 1310, 1310 होता है, मिस्टेक हो गया, 1310 होता है, और जीपोन का 1490 और 1310 होता है। इसे इसका डाउन स्ट्रीम 1.25 Gbps और अप स्ट्रीम 1.25 Gbps दोनों सेम होता है, और जीपोन का डाउन स्ट्रीम 2.48 और अप स्ट्रीम 1.25। जब भी डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होगा अप स्ट्रीम कम होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम हमको यूट्यूब या कोई और चीज़ देखते हैं वो डाउन स्ट्रीम में काम करता है, वो ज़्यादा यूज होता है इसीलिए ज़्यादा होता है। इसमें ई फोन में आपका इतना सिग्नल यदि ट्रांसमिट हुआ 1.25 Gbps, इसमें 28% लॉस होगा, और जी फोन में 8% मात्र लॉस होगा। इसका मतलब जी फोन अच्छा है इसीलिए कॉस्टली होगा, इसमें तो कोई दोहराई वाला बात नहीं है, ये कॉस्टली ही होगा। इसका डिस्टेंस आप सर्वर से कस्टमर इन तक जोड़ेंगे तो 20 किलोमीटर तक जाएगा, और सर्वर टू सर्वर जोड़ेंगे तो 60 किलोमीटर जाएगा, और सही जीपन का भी सेम जाएगा। और ये नॉर्मल है आपके लिए। ईपोन IEEE 802.3 AH स्टैंडर्ड का है। इसका मतलब फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये एउटा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी ने ईफोन वेल्टी बनाने का काम करता है, और ये खास करके एशिया कंट्री में पॉपुलर है, नेपाल इंडिया चाइना इस देश में ये चलता है, ज़्यादा सस्ता होता है और कस्टमर 64 जोड़ने के लिए इनफ होता है, इसीलिए ये ज़्यादा ही होता है। और जी फोन का ITU T3984 स्टैंडर्ड है इसका, और ये खास करके नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में चलता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट। तो ई फोन जी फोन में फर्क इतना ही है, खास ई फोन 64 कस्टमर को जोड़ सकते हो, वो 128 का, और डाउन स्ट्रीम ई फोन का कम है और जीपोन का ज्यादा है। ईपोन का लॉस 28% है, उसका 8% है, बाकी लगभग लगभग सेम है। तो आप अपने हिसाब से कहाँ पर यूज कितना करेंगे उसके हिसाब से ये यूज होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं आउटपुट ऑफ ऑप्टिकल पावर ऑफ OLT। OLT के ऑप्टिकल पावर कितना आना चाहिए, तो आप जो SFP जोड़ते हैं उस पर डिपेंड होता है। तो नॉर्मल B+, C+ और C++ का SFP का एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये भी होता है। तो हम B+ के लिए हैं तो उसका OLTC आउटपुट 1.525 dBm होगा, और C का होगा 3 से 7 dBm, और 6 to C++ का 6 to 10 dBm। लेकिन इसका सेंट्रल प्राइस से 3.5 का लिया जाता है, 3 से 4 आता है, लेकिन इसका ओरिजिनल मैक्सिमम से मिनिमम इतना आ सकता है। और इसका कस्टमर इनवे कितना आएगा यदि ASFP जोड़ते हैं, तो कस्टमर इन तो इसमें आपका रिसीवर सेंसिटिविटी भी बोला जाता है। तो हम ONE जहाँ पर जोड़ते हैं वहाँ पर -28 dBm आएगा तो हमारा ONE चलेगा। वैसे C+ जोड़े हैं तो आपका -32 dBm चलेगा, कहीं पर आप देखेंगे -32 dBm आ रहा है और हमारा नेट चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर C+ का
एसएपी जोड़ा हुआ है। और सी प्लस प्लस में आपका -35 dm तक यदि आ रहा है वहाँ पर, तो आपका विनिंग चलेगा, इतना तक ये चलाता है। और विनिंग का ओरिजिनल होता है -17 से -22 dbm तक होना चाहिए, लेकिन इतना होगा तो भी चलेगा। तो हम एक अब इंटरनल डायग्राम में हम ले हैं FGLTBC+, इसका 16 पोर्ट आपका आउटपुट है, फोन पोर्ट है, इसे आप 16 से ले सकते हैं। तो नॉर्मल आपका इसका रिसीवर सेंसिटिविटी मतलब कस्टमर इन में आपका कितना होना होगा तो चलेगा, -32 तक होगा तो ये चलेगा। और इसका इसका आउटपुट होगा 3 से 7 dbm तक। उसके बाद हम चलते हैं ये लाइट के बारे में। ये लाइट जो देख रहे हैं, ये लाइट ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है और ऑरेंज भी होता है। तो ग्रीन यदि हुआ तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कस्टमर ऑनलाइन है, मतलब कस्टमर अच्छा से नेट चला रहा है। यदि कोई भी ब्रेक हुआ तो उसमें रेड लाइट आ जाएगा, इसका मतलब है कस्टमर तक सिग्नल नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई फॉल्ट आ गया तो रेड लाइट बलेगा। एक होता है ऑरेंज लाइट, ऑरेंज लाइट का मतलब है कि उसमें कोई कस्टमर नहीं जुड़ा हुआ है तो ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का बढ़ेगा। वैसे अब हम इस ओएलटी में प्रॉब्लम क्या आता है, तो सबसे पहले ऑप्टिकल पावर प्रॉब्लम आता है, आपका जितना पावर चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले पैच कॉर्ड आप चेक करें, साफ करें और दूसरा लगा के देखें। दूसरा आता है एसएपी पोर्ट होता है, उसको भी आप निकाल के सबसे पहले साफ करें, नहीं तो चेंज करके देखें। दूसरा प्रॉब्लम आता है हार्डवेयर प्रॉब्लम, जिसका सलूशन है आपका कैपेसिटर रजिस्टर आईसी गया होता है। यदि चेक करें नॉर्मल है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आपका कस्टमर केयर में पटाना पड़ेगा। तीसरा है मिसबिहेव प्रॉब्लम्स। मिसबिहेव प्रॉब्लम ऐसा होता है जैसे मैं आपका जितना पावर आना चाहिए उससे कम बढ़ी, कभी हैंग हो जाना, कभी कुछ हो जाना, इसके लिए भी ये चेक पैच कॉर्ड है उसको चेक करिए, एसएपी चेक कीजिए। फैन और फैन सब है उसको आप साफ कीजिए, उसके कारण से भी हैंग हो जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप ऐसे एक आप ओएलटी उठा के देखिए, तो इसमें ये देखेंगे 8 पोर्ट का पी लिखा हुआ, P1, P2, P3, इसका मतलब है इसमें से आप आउटपुट देंगे, ऑन पोर्ट बोलते हैं इसको। और ये 8 हुआ, ये RJ45 का पोर्ट है, अपलिंक पोर्ट। और ए यहाँ से ए लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ तक लाइन है, 4, 2, 6, 6 पोर्ट है और ए 2 पोर्ट यहाँ पर छूट आ गए, देखिए यहाँ पर डाइ हमें दिखा रहा है। तो वो पोर्ट है 6 है जो SFP अपलिंक पोर्ट है, इधर का सब अपलिंक पोर्ट है, जी से लिखा होगा G1, G2, G3 और इधर P1, P2, P3 लिखा होगा फोन पोर्ट, जी से लिखा होगा तो ये अपलिंक पोर्ट सब है, ए भी अपलिंक। ये RJ45 से अपलिंक जोड़ा जाता है नजदीक के लिए, यदि दूर है तो डिस्टेंस मेंटेन के लिए SFP पोर्ट से आपका जोड़ा जाता है। तो इसमें 2 है 10G SFP पोर्ट्स एक्सटेंशन मॉड्यूल्स, ये दो। और फोन पोर्ट खास में आपका ए फोन पोर्ट जो है इधर का, ये आपका कस्टमर इन तक ओढ़ी जाता है, उसको हम फोन पोर्ट बोलते हैं। और दूसरा होता है अपलिंक पोर्ट,
जो एक एक्सेस पर में है, हम एक्सेस नेटवर्क में, और इसको हम अगारी इंटरनेट प्रोवाइडर, और जब जोड़ते हैं तो ये पोर्ट से हम जोड़ के ले जाते हैं, उसको हम अपलिंक पोर्ट बोलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, बस धन्यवाद।